हमारा आज का विषय है मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस। किसी भी घर का मेन गेट, मुख्य द्वार बहुत अहम भूमिका रखता है। जिस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे पहले उसका चेहरा या उसका मुख देखते हैं। चेहरा भले ही सर्वोपरि गुण ना भी हो, पर सर्वप्रथम जुड़ है। ठीक इसी प्रकार घर का जो मेन एंट्रेंस है, जो गेट है, वह हमारा एक यह जोर बताता है कि घर के अंदर वाले रहने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से कितने समृद्धशाली हैं। और मेन एंट्रेंस यदि सही दिशा में है तो हम यह कहते हैं कि उसका 50% वास्तु ठीक हो गया। मुख्य द्वार नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट, तीन डायरेक्शंस में से कहीं भी किया जा सकता है। ये सभी के लिए लगभग सूटेबल होता है। कुछ लोगों को वहम रहता है कि साउथ दिशा या साउथ में डायरेक्शन या साउथ में एंट्रेंस या साउथ की जो चीज़ है वो बेकार होती है। ऐसा नहीं, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ कोरिया, साउथ जापान सब तो पैसे वाले लोगों का है। और बताना चाहता हूँ कि साउथ दिशा के अंदर भी तीन दरवाजे मान्य होते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये कि आप साउथ के नाम से केवल न डर जाएं। ये नहीं कि साउथ, हाँ ये कई बार डिपेंड करता है कि साउथ हर व्यक्ति के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह में भी कई बार जाना पड़ता है। बट सामान्य वास्तु की जो मैंने बात की, वो ये तीन डायरेक्शंस आइडियल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ। यदि किसी भवन का मुख्य दरवाज़ा, मुख्य गेट साउथ वेस्ट में है, तो आप ये समझ लीजिए कि वह घर कभी पनप ही नहीं सकता, वह घर कभी तरक्की ही नहीं कर सकता। कितने ही वहाँ पे भाग्यशाली व्यक्ति क्यों ना रहते हो, तब भी। ठीक इसी तरह का यदि किसी का दरवाज़ा साउथ ईस्ट में है, तो ऐसे घर में मैंने ये देखा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, चोरी होने का डर लगा रहता है, आग लगने का डर रहता है। यानी हम साउथ ईस्ट कभी को बहुत अच्छा नहीं मानते। नॉर्थ वेस्ट, यदि कोई घर नॉर्थ वेस्ट में है, उसका एंट्रेंस मुख्य द्वार उसका नॉर्थ वेस्ट में है, वायव्य कोण में है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है, सुअवसर आते हैं। नॉर्थ में है तो धन का आगमन होता है, क्योंकि नॉर्थ कुबेर और लक्ष्मी यानी लिक्विड इनकम, और जिसको हम डेली इनकम कह सकते हैं, रूटीन इनकम कह सकते हैं, और संचित धन भी कह सकते हैं, वहाँ पर भरपूर रहता है। नॉर्थ ईस्ट में भी लगभग ऐसी ही बातें हैं। ईस्ट में यदि मुख्य दरवाजा है तो हमें नेम एंड फेम, मान सम्मान रहेगा। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है या कोई प्रोफेशनल है, तो सबसे पहले उसका नाम होना जरूरी है। तो उसके लिए ईस्ट फेसिंग दरवाज़ा ज़्यादा अच्छा है। ठीक उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट भी उसके लिए अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट गेट एक ऐसा है जो सभी के लिए सूटेबल है। नॉर्थ, जैसे किसी व्यक्ति का शॉप है या कोई और बिजनेस है या कोई इंडस्ट्री है, उनके लिए भी सूटेबल है। किसी व्यक्ति का ट्रेडिंग बिजनेस है और उसका घर वेस्ट फेसिंग है, तो भी उसके लिए ठीक है। वेस्ट फेसिंग महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। यदि किसी का घर मान लीजिए कि किसी आदमी के नाम पर है और उसके लिए सूटेबल नहीं हो रहा, तो उसकी रजिस्ट्री उस महिला के नाम पर करवा दें, तो भी उसका फर्क पड़ जाएगा, तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, यदि मन में बात आती है कि अगर वो घर साउथ वेस्ट फेसिंग ऑलरेडी है, मतलब दरवाज़ा भी साउथ वेस्ट में ही लगा हुआ है, अब उसको बदल भी नहीं सकते, उसको हटा भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी हो गई, या हमारे पास धन का उतना नहीं है, या हमारी कुछ हालात ऐसे हैं, या कोई लीगल पॉइंट ऐसा है कि हम दरवाज़ा हटा नहीं सकते, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप उस पर चौखट लगा दीजिए। क्योंकि चौखट का मतलब होता है चार खट। अभी आजकल हम जो कर रहे हैं प्रयोग, उसमें तीन होते हैं, यानी चौखट दहलीज होती ही नहीं, उसकी वजह से भी कई गड़बड़ होती है, मर्यादा भंग होती है, या फिर उसके अंदर 9 पिरामिड्स जो कि स्टोन पिरामिड्स होते हैं वो आप इंस्टॉल कर दीजिए। कुछ लोग आपको सलाह देते हैं कि चांदी के पत्ती या कॉपर का पत्ता या कुछ इस तरीके की चीज़ें लगा दी जाएँ, या कोई वायर लगा दी जाए,
वो सब एस्ट्रोलॉजिकल माना जाता है, ना कि वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। और इसमें दो चीज़ें और मैं आपको सारा बताना चाहता हूँ कि मुख्य दरवाजे के सामने कोई बड़ा खंभा या पिलर या फिटर पिलर या कोई इस टाइप की चीज़ या कोई बहुत बड़ा गड्ढा या बहुत ऊंचा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा रास्ता नहीं जाना चाहिए, यदि आपका घर साउथ फेसिंग है या साउथ ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, तो उसके सामने से कोई वो टी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, यानी उसके सामने से कोई रोड नहीं जाना चाहिए, या वो आखिरी मकान नहीं होना चाहिए, बंद गली का मकान भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर है उसका बंद गली से उसका दरवाज़ा निकलता है तो भी गलत है। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप जब भी मुख्य दरवाजा मुख्य गेट मुख्य द्वार बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि उसके सामने कोई भी हडल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। दूसरा, मुख्य दरवाजे के बाहर अपना घर फैमिली का या घर का एक नाम होता है वो जरूर लिखें। कुछ लोग जैसे लिख देते हैं शर्माज गुप्ताज, वो भी ठीक है, या वो घर का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ जैसे आशीर्वाद ये इस तरीके के जो घर के नाम होते हैं वो भी रख सकते हैं, वो उसके बिना। और मुख्य दरवाजे के बाहर में हमेशा दो लाइटें जिसे चौकस लाइट कहते हैं, यदि एक लग सकती है तो एक, नहीं तो दो जरूर लगाएं, जैसा भी है जो भी संभव हो। इसमें यदि वास्तु के अनुसार मुख्य दरवाज़ा आपका होगा तो मैं कहता हूँ कि आपका 50% तक वास्तु ओके हो गया।